नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुल्तान टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे आधा कार्ड के लिए यानी कि जो एग्जाम होता है आधा सुपरवाइजर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसकी फीस पेमेंट कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे गूगल में। गूगल में आपको टाइप करना है आधा सुपरवाइजर एग्जाम लॉग इन। जब आप आधा सुपरवाइजर एग्जाम ये सर्च करेंगे तब आपको जो फर्स्ट लिंक होगा इस पर क्लिक कर देना है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से भी इसे लॉग इन कर सकते हैं। अभी इस केस में क्या करना है, जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने इसको कुछ टाइम पहले किया था लेकिन मेरे पास ना तो उसका आईडी पासवर्ड है और ना ही कोई दूसरा रास्ता, तब मुझे कैसे करना है। यानी मैं पहले एक बार कर चुका हूँ उसको लेकिन मैंने फीस पे नहीं की थी और अभी मेरे पास ना इसके आईडी पासवर्ड है और ना कोई दूसरा रास्ता, तब मुझे क्या करना है। तो देखिए, मैं इसे फिर से क्रिएट न्यू यूजर पर करूँगा। आप चाहें तो पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास यूजर आईडी होना बहुत ज़रूरी है। यूजर आईडी होनी चाहिए, उसके बाद आपने जो क्वेश्चन डाला था उसका आंसर और न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो इसका यूजर आईडी पासवर्ड भी नहीं है, मैं इसे न्यू पर क्लिक कर देता हूँ। न्यू पर क्लिक करने से पहले आपको पता होगा कि आपको ईकेवाईसी आधार कार्ड अपलोड करना होता है। ईकेवाईसी आधार कार्ड आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, आप जाएंगे यूआईडी की वेबसाइट पर और इसको ऑनलाइन करने के लिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है। आप जाएंगे माई आधार सेक्शन में, यहाँ से जाएंगे आप आधार पेपरलेस ऑफलाइन ईकेवाईसी, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको आधार नंबर डालकर और ओटीपी डालकर इसको डाउनलोड कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ, जैसे ये है ऑफलाइन आधार, मैंने इसको ओके कर दिया, यहाँ से इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक पासवर्ड मांग रहा है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो उस टाइम ये आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से देकर आप इसको सेव कर लेंगे तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर देना है 1 2 3 4 5। 4 तक मैंने दे दिया और इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये डेटा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अभी कह रहा है कि आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर क्या है, जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर क्या है। तो मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ, नंबर डालकर इसको आप वेरीफाइड कर सकते हैं। तो ये आपको बता देगा कि आपका नंबर वेरीफाइड है या नहीं, तो आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली। तो अभी आप इस पर ओटीपी सेंड कर सकते हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। तो ये कह रहा है कि आपके मोबाइल पर ओटीपी सक्सेसफुली सेंड कर दिया है, तो और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के अंदर आपके पास ओटीपी आ जाएगा, तो हम इंतज़ार कर लेते हैं 2 मिनट। तो मेरे पास OTP आ चुका है तो मैं OTP डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं 1 मिनट के अंदर OTP आया है, तो OTP में डाल देता हूँ। OTP डालकर आपको ये वेरीफाइड करना है, तो ये कह रहा है कि आपको जो वेरीफाइड हो चुका है। अभी आपको डिक्लेयर में क्लिक कर देना है और ये कह रहा है कि आपकी ईमेल आईडी डालिए जब आपने रजिस्टर किया था। जैसे कि जब आप न्यू करते हैं तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी होती है, तो मेरी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, आपको बता देगा कि ये आप ही हैं। तो ये इसने मेरा फ़ोटो दिखा दिया है, तो इसे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं, तो आपको ये आईडी पासवर्ड मिल गए हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इसे लॉगिन करना है। न्यू टाइम में मैं लॉगिन कर लूँगा, यहाँ से आईडी को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसी तरीके से जो पासवर्ड आया है इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपके आईडी पासवर्ड होते हैं आपके पास तो आप डायरेक्टली इसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं, बस आपके पास आपका यूजर आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास ना तो आपके पास यूजर आईडी है और ना ही पासवर्ड कुछ भी नहीं है, तब आप क्रिएट न्यू पर जाकर अपनी डिटेल भरेंगे तो ये आपको वापस आईडी पासवर्ड दे देगा। तो मैं इसे लॉगिन करता हूँ। साइन करने के बाद कह रहा है कि आप ओल्ड पासवर्ड डालिए, यानी कि जो अभी ये पासवर्ड आया है आपको ये डालना होगा। मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये डालने के बाद आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाना होगा। तो ठीक है, मैं ये पासवर्ड डाल देता हूँ 853031। यहाँ पर मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ से कोई एक सीक्रेट क्वेश्चन, जैसे कि इन विच सिटी वेयर जो वहाँ पैदा हुए थे, तो आप यहाँ डाल दे सकते हैं अपना गांव वगैरह। तो ये कह रहा है कि योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली क्लोज।
तो अभी आपको ये लॉगिन करना है, तो वापस होम पर जाएंगे या फिर हम यहाँ से दोबारा से न्यू टैब ले लेंगे और यहाँ से इसको यूजर आईडी को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ से जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे और साइन इन कर देंगे। तो ये कह रहा है कि ये सीजन ऑलरेडी एक्टिव फॉर यूजर आईडी साइन आउट, पहले से साइन आउट कर लीजिए फिर लॉग इन कर लीजिए। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, ये ओपन हो चुका है, तो आपको ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये इंडक्शन फॉर्म है तो यहाँ से आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप बेसिक डिटेल डाल सकते हैं जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या SSCL, ठीक है। तो एग्जाम लेवल आपको कैसा चाहिए, ऑपरेटर या सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, एग्जाम लैंग्वेज हिंदी, सिलेक्ट योर एम्प्लॉय एजेंसी UID। तो यहाँ से आपको बहुत सारी एजेंसी मिल जाएंगी, तो हम उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश ईस्ट, उत्तर प्रदेश वेस्ट, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आपका आधार कार्ड का लास्ट के चार डिजिट होंगे, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और यहाँ से आपको टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं, तो हम उत्तर प्रदेश में ही देना चाहते हैं। कौन सी सिटी में, आगरा या अलीगढ़, अलीगढ़, ठीक है। तो ये आपको सेव कर देना है। तो ये सारी डिटेल्स आपके आ गई हैं, यहाँ से आपको प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, अभी फीस पेमेंट करना है। तो पेमेंट ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से ऑनलाइन प्रोसीड पर जाएंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको पेमेंट किस तरीके से करना है। तो मैं यहाँ कार्ड से करूँगा। तो आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये आप कर सकते हैं। मैंने ये कार्ड से किया है, तो पे नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर एक OTP आएगा, OTP डालकर इसको सबमिट कर दें। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम की जो फीस है वो हमने पे कर चुके हैं और ये आपको ट्रांजेक्शन नंबर मिल गया है। अभी आप एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा कि कितने एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे और किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आधार के बारे में आपसे 30 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जिनमें से 5 एक्चुअल होने चाहिए। यहाँ पर फिर रजिस्ट्रार से संबंधित आपसे 95 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 20 क्वेश्चन आपको देने हैं। इसी तरीके से आपको 500 क्वेश्चन टोटल दिए हैं, जिनमें से 110 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 85 नंबर पर आपको सुपरवाइजर बना दिया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट टेस्ट ऑपरेटर सुपरवाइजर हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट टेस्ट करके भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अभी पेमेंट करने के बाद बुक सीट पर जाना है, क्योंकि अभी हमें बुक करना है कि आप कौन से दिन को आपको एग्जाम देने जाना है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 11 फरवरी और 19 फरवरी। तो मेरे पास अभी ऑप्शन है कि या तो मैं 11 फरवरी को जा सकता हूँ या फिर मैं इसको 19 फरवरी को दे सकता हूँ। आज है 8 फरवरी, यानी कि मुझे एक हफ्ते का टाइम है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से। तो हम यहाँ पर 19 करके देखते हैं। तो 19 में है, 19 को फ्राइडे है और 9 बजे से जैसे स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे से, तो हम इसे बुक कर देंगे कन्फर्म और ये सक्सेसफुली बुक हो चुका है। तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड भी निकाल सकते हैं, तो ये आपका एडमिट कार्ड रहेगा, प्रिंट कर लेता हूं।
तो इस तरीके से डाउनलोड करने के बाद एग्जाम दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।